इस लास्ट पार्ट हमने देखा कि हम लोग घंगरिया पे होटल ले लिया था। अभी हम निकल रहे घंगरिया से आए को वैली ऑफ फ्लावर को और टाइम हो रहा है 11:30। और जितना हमें पता चला कि 12 बजे तक लास्ट एंट्री होती है वैली ऑफ फ्लावर की और 5 बजे तक डाउन होना होता है, यहाँ तो वापस आना होता है। तो हमारे पास आधा घंटा है चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए। अभी लगेज काफ़ी हल्का हो गया, बस कैमरे वगैरह ले जा रहे हैं हम लोग और मज़ा आया। लेकिन अभी यहाँ तक आके बहुत थक गए हैं, पैरों की तो बैंड बजी पड़ी है। वापस आके देखेंगे, बिकॉज वैसे भी यहाँ पर दिन भर रह के ना कोई टाइम वेस्ट करना कुछ था नहीं, कुछ करने को है नहीं, तो हमने सोचा आगे निकल जाते कि अब टाइम पे पहुँच गए हैं। तो और बेसिकली एक काफ़ी होटल है यहाँ पर, अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करोगे ना तो आपको होटल सस्ता मिल जाएगा। और वैसे तो ट्राई करना कि वहीं से बुक करा के आओ, कि हमारे अभी तो सीज़न थोड़ा इनका, क्योंकि बारिश का ऑफ सीज़न है, इसलिए हम लोगों ने होटल लिया नहीं, पहले बुक नहीं कराया। तो यार कुछ पहले कुछ खाने का देख लेते हैं, खाने का पैक करा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो नीचे रह गया, हाँ हमने चढ़ाई और चल ली अभी, वो मेहता जी आ रहे हैं और इतना लंबा जाना है ऊपर ही कहीं पर पुलिस फॉरेस्ट की चेक पूछते हैं उनको ऊपर को, और लेफ्ट पे जा रहा फूलों की घाटी को रास्ता। एज यू कैन सी गेट है 160 मीटर आगे है, जो कि फॉरेस्ट की चौकी है, और 7 से 12 बजे तक एंट्री अलाउड है यहाँ पे। ये फॉरेस्ट की चेक पोस्ट जो कि वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री है, यहाँ पर साथ कराना पड़ेगा एंट्री वगैरह, फीस जमा होगी और जो भी हमें पास मिलेगा आगे के लिए। हमें परमिट बन चुके हैं, हम निकल चुके हैं। हमें उन्होंने बोला कि 5 बजे तक वापस आना किसी भी हालत में, लेकिन मोटा हुआ रास्ता यार, 4 किलोमीटर यहाँ से भी 4 किलोमीटर बचा हुआ है। मेहता जी करके जाना है, हाउ इज द जूस? जूस इज वेरी हाई, तो लेकिन बहुत थकान लग गई है, बहुत टफ है भाई, एक दिन में पूरा करना। पूरा बरसात का है, पूरा बरसात हो गया, तगड़ा पानी आएगा यहाँ पे। लगभग 1 किलोमीटर चल गए होंगे हम लोग, 1 किलोमीटर से कम हम चले अभी, और अभी तो चेक पोस्ट से लगा तो 1 किलोमीटर हो गया नीचे से, 600। तो घंगरिया से यहाँ 1 किलोमीटर हो गया होगा। मैं तो जी रुको यार, हम एंट्री करने वाले लास्ट लोग थे, क्योंकि 12 बजे एंट्री बंद थी हमारे पास, कुछ उन्होंने किसी को एंट्री नहीं दी, मतलब ऑलमोस्ट कोई था भी नहीं नीचे तक, क्योंकि सारे लोग सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं और जो निकलने वाले थे अभी तक निकल गए थे, तो हम लोग लास्ट ही थे। ये है वो रूट, नॉर्मल सा है जैसे जंगलों का रूट होता है, पूरा इधर पेड़ ही पेड़ है। फोन वगैरह ला रहे हैं तो ये आपके स्मोकिंग का कोई सामान ला रहे हैं, एल्कोहल लेके आ रहे हैं या स्पीकर लेके आ रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट वाला पर आपको सबमिट कर लेंगे, क्योंकि ड्रोन अलाउड नहीं है या स्पीकर बजाना कुछ अलाउड नहीं आगे, तो वो हम आप लोग को जमा कर लेंगे, देन वापसी में दे देंगे। बट इससे अच्छा है कि आप ऊपर कैरी ना ही करो यार वैली ऑफ फ्लावर को, कैमरा कैरी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज वो सामने पुल के पार में जाना है, और ये एक चीज़ देखो यार यहाँ पर देखना, यहाँ की जो पहाड़ है ना, पहाड़ देखो यार कितने डरावने से हैं, पूरे पत्थर के, दिखाता हूँ आपको, पूरे पहाड़ गजब है यार, पर नदी का फ्लो बहुत तेज है यार, आप आवाज सुन सकते हो नदी की, मन कर रहा ही बैठे रहे यार, जैसे लोग बैठे हैं ऐसे। मैं तो जी बैठे हैं ऊपर मस्त जगह पे, कैसा रहा सफर अभी तक? फट लिया अब तो भाई पूरी, गाइस सच बताऊँ ना फट लिया ढंग से, फट ली, बहुत गंदा हाल है वो, नीचे पूरा रूट ऐसी है, अभी 1.5 घंटा और ऐसी रूट, लिटरली पूरी फट चुकी है भाई। मेहता, मेहता जी क्या क्या आपने विचार रखेंगे? अरे बहुत मस्त ट्रिप जा रहा है अभी, तो बहुत एनर्जी है अभी, फटाफट थोड़ा सा बिस्किट और पानी के लिए ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, फिर जा रहे हैं एनर्जी के लिए हमारा, हम पाले जी का ऐड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। सामने आपको दिख रहा ना वो रास्ता, वो रूट, वो हिमकुंड साहिब का है, वो खतरनाक चढ़ाई होगी, इससे भी ज़्यादा टफ है वो चढ़ाई, और सब लोग थक गए हैं, बहुत गंदा हाल हो गया, बट मोटिवेशन बनाए रखनी है, पहुँचेंगे पहुँचेंगे। वो अगर सामने देख पा रहे हो ना आप, वो है वैली ऑफ फ्लावर, ऊपरी वैली है और ऊपर पूरी स्नो है अभी भी, और हिमालय की सारी चट्टानें ऊपर, थोड़ा मोटिवेशन आई है, बिकॉज जो वैली ऑफ फ्लावर है ना दिखने लगी है, और उतना भी
खतरनाक चढ़ाई नहीं है, अब सीधा सीधा ही है, ऑलमोस्ट जितना हम पार करके आ रहे हैं उससे तो कम ही है। बट सामने वैली देख के ना मज़ा आ गया, बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो गया। भाई जो सामने बड़ा पत्थर दिख रहा है वहीं से वैली ऑफ फ्लावर्स स्टार्ट होती है और पूरा वो आगे हो जाती है, जहाँ तक भी नजर आ रही पूरी पूरी वैली ऑफ फ्लावर ही है। हम देखते हैं हम कहाँ तक कितना आगे पहुँच पाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर देख के ना मन तो बड़ा मस्त हो गया, व्यू और जो व्यू भी है ना मैसमाइजिंग है यार, बहुत तगड़ा व्यू है, तो वर्थ इट है। मतलब अपना पैरों में अलग सी एनर्जी आ चुकी है और पैर भी अपना वाही को चल रहे हैं, आप रुकने का मन भी नहीं कर रहा है। वैसे तो अब तो बिल्कुल प्लेन रास्ता भी है, मतलब क्योंकि पत्थर ऊपर खबड़े हैं तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो गाइज़ यहाँ से जो है पूरी वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देख पा रहे हो पूरे फ्लावर्स हैं, तो यही है फूलों की घाटी यार जी। देखो पूरे आपके फ्लावर ही फ्लावर देखेंगे, और सामने व्यू देखो यार कितना सेक्सी है। फाइनली यहाँ आके अभी क्या है ना, फ्लावर बहुत सारे सूख गए आप देख रहे हो, तो आई थिंक मुझे लगता है जुलाई एंड पे आना बेस्ट रहेगा क्योंकि उस टाइम पे बहुत बूम पे होंगे। बाकी अभी भी बहुत सारे फ्लावर हैं ऊपर को भी, पिंक से वाइट से काफ़ी, और मेहता जी अपने फोटोग्राफी कर रहे हैं, चालू स्टार्ट हो गए। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से मैं अभी भी 150 मीटर आगे आ गया हूँ, और जितना आगे जा रहा हूँ उतना ब्यूटीफुल लगते जा रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। फील है ना यहाँ के वर्थ है, मतलब यहाँ आना यार, इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ना वैसे 500 से ज़्यादा प्रकार के फ्लावर्स हैं जो अभी काफ़ी खिले हैं, कुछ कुछ खिल के सूख गए हैं। ये जो पूरी वैली है ना, वो जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है ना, वो ग्लेशियर वहाँ तक है, और वो 4 किलोमीटर है पूरा, उतना हमारे पास टाइम नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, बट हम काफ़ी आगे तक एक्सप्लोर करके कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और व्यू है ना जो यार, वो तो अलग ही लेवल है यार, फ्लावर देख के और पूरी फ्लावर की वैली देख के ना मज़ा आ गया है, वर्थ है यहाँ पर आना यार। और ऊपर जो व्यू है ना वो और सेक्सी है यार। चलो एक टाइम लैप्स लेते हैं। मैं तो सुन भाई मजा तो आया ना तेरे को यहाँ से व्यू देख के, लेकिन अप्रैल अप्रैल के टाइम पे आता है तो बर्फ भी दिखती है बस, स्नो दिखती है, स्नो भी कम हो गया ना, 2-3 बार आई थी अभी, स्नो कुछ नहीं ऊपर देखोगे ना आप चोटियों में, थोड़ा सा ग्लेशियर बचे हुए हैं पिघलने बस, बाकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इस करिए हम आधा घंटा बैठे हैं यहाँ पर, और मज़ा आया यार सामने व्यू को देख के, फूलों को देख के, जो एक अलग फील है ना यहाँ के, वर्थ इट है यार। पूरा आगे तो हम जा नहीं रहे हैं बट जितना भी हम गए वर्थ इट है। सामने पहाड़ों को देखो, ग्लेशियर्स को देखो, ये सब नीचे जाने का टाइम आ गया, बिकॉज नीचे 5 बजे तक हमें नीचे जो फॉरेस्ट की चौकी है जहाँ पर हमने एंट्री की थी वहाँ तक हमें पहुँचना भी, अदरवाइज शायद फाइन या जो भी बोले कुछ करेंगे, इससे बेटर कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। क्या बोलते हो मैं तो अभी तक पहुंचना है, अब निकलने का टाइम हो गया हमारा यहाँ से। तो कैसा एक्सपीरियंस था आप लोकल एंड तक जाके, वो क्या रहे हो? थोड़ा आगे तक गए थे ग्रेट तक, तो इससे थोड़ा फुल डिफरेंट है ये फुल तो ऐसा, क्योंकि ये सीजन तो पीक है ना इसका, जुलाई तक नहीं, अब थोड़े झड़ गए। हां नहीं नहीं काफी दिस इज द वे द वैली इज। आप पहले आए वहां पे? हां नाइस। ये कौन सा टाइम है? ग्रेट। तो हमेशा अगस्त में आते हो? इसी समय पहली बार है, इतने फ्लावर तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ अगस्त में, चलो 15 से पहले जुलाई टू सितंबर का मेजर है फ्लावरिंग सब का, तो कुछ कुछ जो फर्स्ट अगस्त टू 15 अगस्त में मैक्सिमम आगे घट झड़ने लगे हैं, जैसे आप देख रहे हो सूख गए ना फुल फुली। आप लोग कहाँ से आए? तो बहुत दूर से आए हम तो उत्तराखंड से ही है, रानीखेत से। थैंक यू। हम यहाँ आते हैं इसलिए बंबई में रह पाते, हाँ वो एक वो फ्रेशनेस लेके आनी ना दोबारा से। चलिए ओके सर, थैंक यू बाय। तो
तो गाइस टाइम हो गया 3:30 और हम अब वापस जा रहे हैं, और मज़ा आया बहुत यार यहाँ पे, मतलब वर्थ है यहाँ पे आना। और अब वापस जाना है बिकॉज हमें 5:30 बजे तक नीचे पहुँचना भी है चेक पोस्ट पे, तो हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। चलो गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू यार। तो गाइस अभी आपने देखा होगा पीछे व्यू, जो पानी की तरह फ्लो की तरह तेज था यार, तो हम वापसी कर रहे हैं। और मेहता जी कहाँ रह गए? मेहता जी भी आ रहे हैं। अभी नीचे को जाते समय ना वो थकान नहीं लग रही, लेकिन जो पेन हो रहा ना पैरों के तलों में वो गंदा हो रहा है यार। नीचे आके मालिश करानी पड़ेगी भाई, गोट तेल की मालिश, तलों में बहुत पेन हो रहा है क्योंकि जो रास्ता है ना बहुत ऊबड़ खाबड़ है यार। यार जो रास्ता है ना ये भी कितना ब्यूटीफुल है यार, पूरी हरियाली हरियाली, सामने पहाड़, नीचे नदी, और सामने पूरा वैली ऑफ फ्लावर का व्यू। मस्त रूट है यार ये। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो हम वो नीचे से आ रहे हैं, वो नीचे आपको बहुत लोग दिख रहे होंगे, नीचे से नदी है, और हम ऊपर पहले कहाँ से आ रहे हैं, बहुत खतरनाक चढ़ाई थी यार। तो मेहता जी पैरों की तो बैंड बजी हुई है, बुरी वाली बजी है आज तो। आप लोग तो बादल भी आ गए आज, बहुत टाइम बाद इतना किलोमीटर चले वो भी भाई। रूट देखो कैसा है, नदी की आवाज़ सुनो कैसी आ रही है, और नदी की आवाज़ सुना अभी नीचे आके दिखाएंगे आपको, बहुत ही फ्लो तगड़ा है अभी मेरे ख्याल से, ऊपर बरसात हो गई है अब। चलो ले चलते हैं फिर तुम्हें, चलो ये निकलते हैं पहले नाले को क्रॉस कर लेते हैं टाइम पे यार। तो भाई रूट देखो यार कितना डेंजर है, बहुत तेज फ्लो हो गया पानी का, पहले तो पानी जो हम चढ़े घूमने तो ये देखो यार फ्लो पानी का साउंड कितना तेज आ रहा है। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं और वो पुल के पार हमें जाना है, तो निकल लेते हैं टाइम पे यार, इससे पहले ही और बारिश हो। तो आई थिंक ऊपर ना बारिश हो रही है जी, तो पूरा बरसात का पानी है। तो गाइस फाइनली हम लोग पुल पे पहुंच गए और देखो फ्लो पानी का। वैसे तो मॉर्निंग में भी फ्लो काफ़ी तेज था, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही है, बिल्कुल ड्रामा लग रहा है, बिल्कुल ड्रामा पूरा। तो साउंड आपने सुना होगा कितना खतरनाक साउंड हो रहा है। बाकी हम लोगों ने पुल क्रॉस कर लिया है, थोड़ा सा आगे और बचा है, आगे थोड़े से आगे चेक पोस्ट है उसके बाद डाउन है पूरा फिर से, तो अभी ज़्यादा हालत खराब नहीं होगी। तो टाइम हो रहा है 4:30 जी, फाइनली कर लिया हमने, फाइनली में वैली ऑफ फ्लावर कर लिया यार। यस वी डिड इट, एक ही दिन में हो गई या। और बेस्ट बात ये है ना कि हम इन दोनों के अलावा एक एक्स्ट्रा जगह और जगह घूम पाएंगे, क्योंकि परसों का दिन हमारे पास, वो रोड साइड जगह कुछ भी हो सकती है, बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, सरप्राइज रखते हैं उसको, क्योंकि हमें खुद नहीं बता भी। बाकी फट लिए बहुत गंदी वाली यार, पैरों की दर्द इतनी हो गई ना बहुत ज़्यादा, बस जाके रेस्ट करते हैं, जाके रेस्ट करता है और पैरों में आते हैं आयोडेक्स, बहुत हालत खराब हो गई है। ये जो पुल के बाद चढ़ाई थी ऊपर घंगरिया को आते समय वो खतरनाक चढ़ाई थी, और एक ये वाली बहुत खतरनाक चढ़ाई थी। और कल हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब और वो चढ़ाई तो और खतरनाक है, खड़ी खड़ा पहाड़ है, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे थे आज वैली ऑफ फ्लावर को सामने दिख रहा था कि हेमकुंड का रास्ता, वो तो बहुत खतरनाक चढ़ाई है और 6 किलोमीटर की हो। लेट्स सी यार, करना तो पड़ेगा बिकॉज करने के बाद बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार चलो वी डिड इट। बाकी तो क्या है, पूरा देख लो सब लोग ऑलमोस्ट सारे लोग नीचे आ चुके हैं, मेहता जी दूर तो दिखाई तो नहीं दे रहे, चलो उनका वेट कर लेते हैं। हैं क्या है? अरे वो फिसल, तो फाइनली पहुंच गए ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट चेक पॉइंट तक पहुंच गए, नहीं चेक पॉइंट भी आगे है अभी, अरे मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गए यार, ऑलमोस्ट मतलब झरना क्रॉस करेंगे उसके बाद आएगा चेक पॉइंट। हां हां, तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से नीचे पूरा घंगरिया दिख रहा है, वो नीचे जो घंगरिया टाउन है वहाँ जाना है यार, उससे पहले ये एक नाला क्रॉस करना है ये वाला, और फिर वहाँ पर चेक पॉइंट है जहाँ पर को लोग जा रहे हैं उसके वहाँ पर को। तो गाइस फाइनली आ गए चेक पोस्ट जहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हम वापस आ गए 5 बजे तक। तो अपना क्लियर हो गया, हम आ चुके हैं आगे को, अब नीचे घंगरिया को जाना है,
थोड़ा सा और डाउन पड़ेगा, बट फाइनली चेक पोस्ट पार हो गया ना, चलो अब दिक्कत नहीं कोई, अब जाते नीचे आराम आराम से। क्यों मेहता जी? बिल्कुल। पहले हम लोग नीचे आ चुके हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत गंदी हालत हो गई पैरों की, और अभी कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर रूम पर जाते हैं, सो जाएंगे रूम पर जाके आ जाएंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय, कल हेमकुंड साहिब वाले ट्रिप पे मिलते हैं, ठीक है, बाय।